welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we're going to talk about how to take care of your private parts or your intimate areas. And I feel this is one topic जिसके बारे में मुझे हमेशा से बात करनी थी, because you know मेरे channel पे बहुत सारी लड़कियाँ मुझे follow करती हैं. This is one topic हम सबको जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर का ध्यान रखते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स का भी उतना ही ध्यान रखें. तो आप कैसे अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान रख सकते हैं और आप कैसे उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, सो उसके लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. नंबर वन, कीप इट क्लीन. और जब मैं बोलती हूँ कीप इट क्लीन, दैट डजंट मीन कि आपको अपना सोप यूज करना है या आपको अपना बॉडी वॉश यूज करना है, बिकॉज उनमें काफी केमिकल और काफी फ्रेग्रेंस रहता है जो आपके पीएच बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है. तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इंटीमेट वॉशेज यूज करने हैं. बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में. मैं उनमें से कुछ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट विल रियली रियली हेल्प यू. बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं यूज करना है इंटीमेट वॉश, तो सिर्फ ल्यूकोम वाटर से अपनी प्राइवेट पार्ट को क्लीन कीजिए और हमेशा उसे पैड ड्राई कीजिए. एंड नाउ नंबर टू, वजाइनल ओडर. दिस इज वन थिंग आई रियली रियली वॉन्ट टू टॉक फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बिकॉज यू नो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस अबाउट दिस, दैट यू नो इट स्मेल्स रियली बैड, वॉट शुड वी डू, वाई इज इट हैपनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने वजाइना को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे ना एवरी डे, इट्स इम्पॉसिबल दैट विल स्मेल बैड. इट विल डेफिनेटली स्मेल. आई एम नॉट सेइंग कि उसकी एक स्मेल नहीं होगी अपनी, बिकॉज वजाइना जो होता है वो अपने आप को क्लीन करता है. सो ऐसा नहीं हो सकता किसी के वजाइना में से कोई स्मेल नहीं आए. तो एक अपने आप से एक नेचुरल स्मेल आता है, बट इफ इट्स स्मेलिंग रियली रियली बैड गाइज, दैट मीन्स यू रियली नीड टू सी अ डॉक्टर. बट यू कैन ऑलवेज मेक इट स्मेल गुड, यू कैन ऑलवेज मेक इट स्मेल नाइस. हाउ वी यूज बॉडी परफ्यूम्स फॉर आवर बॉडी, वैसे ही आपके सेंसिटिव एरियाज के लिए भी ना परफ्यूम्स आती हैं. अब व्हेन आई से सेंसिटिव एरियाज, तो आप उन परफ्यूम्स को अपने अंडरआर्म्स में यूज कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी नीज, एल्बो और प्राइवेट पार्ट्स में यूज कर सकते हैं बेसिकली. सो टू मेक इट स्मेल रियली फ्रेश एंड नाइस ऑल द टाइम, सो आई बीन यूजिंग दिस नमिया बॉडी परफ्यूम विच इज स्पेशली फॉर सेंसिटिव एरियाज. एंड दिस परफ्यूम जस्ट स्मेल्स लाइक मैजिक, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है. Already use this product so much. I mean, now it's like one of the most important part of my body care, your skin care, your body care routine, I would say. And I love this product. So I've actually saved the box for you guys. This is how it looks. Whenever you will order, it will come like this in a box. Yeah. ये जो perfumes हैं वो alcohol free है, paraben free है, आपकी skin को darken नहीं करता है. और अगर आप देखिए तो ये बिकॉज इतना छोटा सा है, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू ट्रैवल विद टू. एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग है, इट सेज 12 आवर्स. आई वुड से इट डेफिनेटली लास्ट फॉर 8 आवर्स. सो बेसिकली दिस परफ्यूम इज इन अ सॉलिड फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट, मसाज इट ऑन योर फिंगर्स एंड देन जस्ट अप्लाई इट वेयर एवर यू वॉन्ट टू. Very, very safe for intimate areas, and I can vouch you for it that it's super, super safe because I have used it personally. And now let's go to point number three: trim, shave or wax. Like, जो भी आप जिस भी चीज़ से आप comfortable हैं, अगर आपको wax करना है, wax कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा painful process के लिए नहीं जाना है, तो आप trim करके maintain कर सकते हैं, या फिर आप shave कर सकते हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं बोल सकती कि हम कितनी वो हेयर रिमूवल क्रीम्स इंटीमेट पार्ट में यूज कर सकते हैं, बट आई वुड से दीज थ्री ऑप्शंस आर डेफिनेटली सेफ. अगर आपको कुछ परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली लेजर के लिए जा सकते हैं. आजकल जो लेजर ट्रीटमेंट्स हैं वो भी काफी काफी सेफ है. तो रूटीन की आप हर मंथ या तो ट्रिम करेंगे, या शेव करेंगे, या वैक्स करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन डेफिनेटली मेंटेन इट. Now, number four, जब ही भी आपको पीरियड्स आ रहे हो, मेक श्योर करें कि 4 to 5 hours के बीच में आप अपने पैड्स को चेंज करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको पता, अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए पैड्स ही पहनते हैं, तो भी आपको वजाइनल ओडर हो सकता है. तो मेक श्योर करें कि आप अपने पैड्स जो है वो 4 से 5 घंटे में डेफिनेटली चेंज करें. नाउ नंबर 5, इवन दो हम लोग यू नो जब भी वेबसाइट्स पे अपने लिए पैंटीज खरीदते हैं, तो वो लेसी पैंटीज, वो सिल्क पैंटीज कितनी फैसिनेटिंग और कितनी अमेजिंग सी लगती है, बट दैट इज ओके. यू कैन वेयर इट लाइक
कभी कभी बट ऑन एवरी डे बेसिस ऑलवेज ऑलवेज ऑप्ट फॉर कॉटन पैंटीज एंड मेक श्योर करें अगर आप घर पे ही हैं तो आप थोड़ी लूज पैंटीज पहने कॉटन लूज पैंटीज बेसिकली बिकॉज योर प्राइवेट पार्ट नीड्स टू ब्रीथ सो यू कांट वेयर समथिंग टाइट अवॉइड करें बहुत टाइट कपड़े पहनना भी बिकॉज उससे आपके वो अगेन रैशेज हो सकते हैं आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो और डार्कन हो सकता है बिकॉज इट्स नॉट एबल टू ब्रीथ एंड इफ इट्स नॉट ब्रीदिंग वेल ऑफ कोर्स इट विल स्मेल रियली बैड सो मेक श्योर करें एवरीडे बेसिस के लिए आप हमेशा सिर्फ कॉटन की लूज पैंटीज ही पहने एंड येस दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप दिस वीडियो वॉज रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इन केस आई हैव मिस्ड आउट समथिंग देन आई कैन कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो अबाउट दिस एंड आई रियली रियली होप दिस वीडियो हेल्प यू आई विल गिव यू लिंक ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बट ऑल्सो नम्या हैज अ वाइड रेंज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स यू नो रिलेटेड टू योर इंटीमेट एरियाज यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दम आउट बिकॉज आई हैवन यूज दैम ऑल बट येस आई हैव डेफिनेटली ट्राइड देयर वॉश and I really really liked it and right now I am loving there this perfume and that's why I really wanted to suggest you because I haven't used any other intimate perfume as of now so this is the only one I have used and that's why I suggested this in this video and I hope this video was really really helpful please comment section mein zarur batana and I will see you very very soon give this video a big thumbs up subscribe to my channel